प्रदेश में कांग्रेस की पहली टिकट सूची जारी होते ही बयानों की बेबाकी भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के टिकट रात पक्ष में आए थे, कांग्रेस के टिकट नवरात्रि की मिठास के साथ आए हैं, यह परिवर्तन का परिचायक है। वर्मा ने यह बात विधानसभा 4 से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए समाजसेवी राजा मंधवानी के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान कही। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। विधानसभा 4 से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए समाजसेवी राजा मंधवानी को चुनावी समर में ऊर्जा देने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी देवास से इंदौर पहुंचे और मंधवानी को जीत की रणनीति के साथ मैदान संभालने की सीख दी। इस दौरान सज्जन वर्मा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने राजा मंधवानी के साथ प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लिया। रैली के रूप में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा 4 में परिवर्तन की लहर का नारा भी बुलंद किया। इस दौरान सज्जन वर्मा बोले कि नवरात्रि में कांग्रेस की पहली टिकट सूची आना भी परिवर्तन की लहर का संकेत है। कांग्रेस ने बड़े गहरे चिंतन, मंथन और मनन के बाद ये सूची जारी की है। आज मैं दिन भर अलग अलग विधानसभाओं क्षेत्र में था, आम जनता से जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि बहुत ही अच्छी उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। हम विश्वास से कह सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ अब कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये बड़े सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं भाई, कड़वे दिनों में जारी करी आपको बधाई, हमने मीठे दिनों में लिस्ट जारी करी। सनातन धर्म की परंपराओं को निभाते हुए ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे समय हमारी लिस्ट तैयार हुई। उस दिन माता जी की घट स्थापना का पहला दिन था, ये कांग्रेस के लोगों की खुशनसीबी है। तो हमने तो पवित्र दिनों में जारी की और पवित्र दिनों में पवित्र मन से सूची जारी की, तो पवित्र मन से इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। जबकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने संगठन की शक्ति के साथ चुनाव लड़ने की बात कही और बीजेपी की अयोध्या को जनता की सीट बताया। देखिए हमारी सूची में सभी प्रत्याशी शानदार हैं। हमारे एक नंबर से संजय शुक्ला जी, हमारे तीनों सिटिंग विधायक वो पुनः जीत रहे हैं, जबरदस्त वोटों से जीत रहे हैं। हमारे चिंटू चौक से बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं और रीना हमारी जो सेतिया हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं और उनके पिता का कार्यक्षेत्र रहा है। चार नंबर की बात करें तो इस बार इस चार नंबर की सीट में एक आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि चार नंबर की विधानसभा जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा यहाँ की मौजूदा विधायक का विरोध है, उनके परिवार में अंतर्कलह है और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना कि इस बार व्यापारी, युवा और महिलाएं ये किसी भी हालत में बीजेपी को वोट देने के पक्षधर नहीं है। और राजा मंधवानी बहुत सक्रिय व्यक्ति है, समाज सेवी है और बहुत मेहनती, मिलनसार है, बहुत सरल है और वो अपनी छवि से और हमारे सभी समाजों के संतुलन से हम लोग ये विधानसभा भी जीतेंगे। इस दौरान पूर्व पार्षद प्रीतम माटा, गुरजोत सिंह गिल, संदीप मंधवानी सहित कई कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।